লখনউতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होके, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय, यह निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो आईटीआई पढ़ी है, बीए की है, उसने कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। यह निर्णय उसके लिए है। यह निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला, सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं, यह सत्ता बन गई है, यह गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है, मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और दो कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि चार बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं के को, कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी, अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए, ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। हम लोग सवाल लेंगे, इसको थोड़ा सा सुनिश्चित तरीके से कर लेने दीजिए, कुछ सवाल लेते हैं। मैं पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत करूंगी, आपके पास मैं जरूर आऊंगी। प्रांशु जी, आपका सवाल। इसको अगर और इलैबोरेट कर सके, इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा शांत रह जाइए, आपके कोलीग को सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रहे हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का ये थॉट प्रोसेस ओरिजिनल? देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है।
इसके पीछे जैसे मैंने कहा मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट कर होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है, हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए, ये भावना है इसके पीछे। एबीपी उनका हाथ उठा हुआ है, मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम सवाल ये है कि 40% क्यों, मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक 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 सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ, लगे वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय